हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फूडो पॉलिस आज मैं आप लोगों से सोया कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं तो चलिए देख लेते हैं और यहां पे सोया ग्रैनोल्स को मैंने बॉईल किया था और करके उसे मिक्सी में पेस्ट बना ली हूं और ये ग्रीन चटनी है जो धनिया पत्ता अदरक और लहसुन और हरी मिर्च को मिला के मैंने मिक्सी में बनाया था वो पेस्ट मैं यहाँ पर वन टेबल डाल दी हूँ आपके पास ये पेस्ट ना हो तो आप अलग अलग पेस्ट भी डाल सकते हैं और वन टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डाला है दही आप विदाउट दही भी बना सकते हैं इसे और वन टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल और फोर टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है ग्राम फ्लोर मतलब कि बेसन दो टेबल स्पून मैंने बाद में डाला था जो मैं नहीं दिखाई हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर डाल दी हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे हम लोग नमक और ये चाट मसाला है जिसे मैं वन टीस्पून ऐड करूंगी यदि आपको खट्टा से कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या इसके जगह लेमन यूज़ कर सकते हैं यदि अभी क्वारंटाइन का समय है और घर में नहीं हो तो आप लोग लेमन भी यूज़ कर सकते हैं और देखिए मैं किस का से कबाब बना रही हूँ ये मेरे पास घर में सिक था इसलिए मैं सिक में इस तरीक़े से शेप दे रही हूँ यदि आपके पास नहीं हो तो आप ऐसे प्लेन भी कटलेट के जैसा बना सकते हैं इसे या स्टिक हो यदि वुडन का स्टिक हो तो उसमें भी आप इसे बना सकते हैं मेरे पास स्टील का था इसलिए मैंने यूज़ किया है और ये बहुत ही अमीर लगता है और आप लोगों को यदि मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें क्योंकि आपके एक लाइक से या सब्सक्राइब से हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने के लिए और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और सभी को हम लोग इस तरीके से शेप दे देंगे जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत ही यम्मी एक ब्रेकफास्ट है मतलब कि शाम का स्नैक्स है और सारे कबाब को मैं यहाँ पे बना ली हूँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और सभी को मैं रिफ़ाइंड ऑयल में फ्राई कर लूँगी सभी फ्राई हो चुके हैं रेडी है आपके सोया कबाब थैंक्स फॉर वाचिंग।